यूक्रेन और रशिया के बीच जो ये वॉर चल रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस वॉर की शुरुआत 2014 से ही शुरू हो चुकी थी। 2014 में यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे पेट्रो ओलेस्कोविच पोरोशेंको, ये रूस के समर्थक थे। रूस ने यूक्रेन से कहा था कि तुम यूरोपीय यूनियन में शामिल मत होना, क्योंकि अमेरिका की ये चाल है कि वो यूरोपीय यूनियन में शामिल करने के बाद उनको नाटो का सदस्य बना लेता है, और नाटो में जितने भी देश शामिल हैं वो किसी भी देश को मिलकर मारते हैं। रूस ने यूक्रेन को मना किया था यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए, लेकिन यूक्रेन की जो जनता थी वो यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहती थी, लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रूस के समर्थक थे, उन्होंने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने से मना कर दिया, जिससे यूक्रेन की जनता पेट्रो के अगेंस्ट हो गई, और इसीलिए पेट्रो 2014 में यूक्रेन से भागकर रूस में चले गए। और फिर यहाँ पे एक सरकार आई जिसने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए हामी भर दी, जिससे रूस नाराज होकर यूक्रेन के क्रीमिया नाम के एक भाग को हमला करके कब्जा कर लेता है। इसके बाद 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट में यूक्रेन ने कहा कि अब हम कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, और यूक्रेन भी ये ध्यान देगा कि यूरोप और अमेरिका का जो प्रभाव है वो यूक्रेन में बढ़ने ना दे। लेकिन यूक्रेन ने 2017 में कहा कि वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता है, और नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुआ था, और करंटली इसमें 30 देश शामिल हो चुके हैं, और सभी कंट्री बहुत ही पावरफुल है, जैसे कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, और ये सभी रूस को काउंटर करना चाहते थे। और नाटो का आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि नाटो के 300 देश किसी भी कंट्री पर हमला करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन 300 देशों में से किसी एक कंट्री पर भी कोई दूसरा देश हमला किया तो 300 देश उस देश को मिलकर मारेंगे। और अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो वहाँ नाटो के नियम के अनुसार जो भी नाटो का सदस्य है तो वहाँ किसी भी देश की सेना आ जा सकती है, और जिस दिन यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो अमेरिका की सेना यूक्रेन में भी आ जा सकती है। तो कोई भी देश ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका पड़ोसी देश जो उसी से टूटा हुआ है उसके सामने दुश्मन को बैठाए, वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप के दुश्मनों को बैठाए। मान लीजिए अमेरिकी सेना यूक्रेन आई और उसने रशिया पर हमला किया, और फिर रशिया ने जवाब में यूक्रेन पर हमला किया, तो हो गया ना नाटो के आर्टिकल नंबर 5 का उल्लंघन, और फिर पूरे 300 देश मिलकर रशिया के ऊपर हमला करेंगे और रशिया को बर्बाद कर देंगे। रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, और इस वॉर की सबसे बड़ी वजह यही है। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो ये वॉर चल रही है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।